जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, जैसा ही आप सभी को पता कि अभी तीनों सेनाओं के प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर कर दिया है कि अब जो भारतीय सेना में जो भी भर्तियां होगी डिफेंस में, वो सभी की सभी टीओडी के दौरान होगी, यानी अग्निपथ योजना के तहत होगी। अब ये भर्तियां किस प्रकार से कंडक्ट होगी उसका प्रारूप भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, साफ तौर पर बता दिया है कि एयरफोर्स की भर्ती कब से होगी, नेवी की भर्ती कब से होगी और आर्मी की भर्ती कब से होगी। अगर हम बात करें इंडियन आर्मी की, तो आपको बता दूं इंडियन आर्मी की भर्ती के बारे में उन्होंने बोला पूरे देश में 83 रैली होगी, पूरी की पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, थोड़ा सा कैंडिडेट का तरीका अलग है। पूरे देश में लगभग 83 रैली भर्ती होगी, 15 अगस्त से शुरू होगी, 15 अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर आधे तक, यानी लगभग 3 महीने चलेगी। उसके बाद में दिसंबर के महीने में होगा पेपर और उसके बाद में होगी फाइनल ज्वाइनिंग। तो आर्मी के प्रोसेस इस प्रकार से होगी, पहले जो भर्ती का है वो प्रोसेस जारी कर दिया गया है कि 15 अगस्त से रैली भर्तियां कैंडिडेट की जाएगी। तो जितने भी विद्यार्थी एलिजिबल है अब वो रनिंग की तैयारी करना, फिजिकल योग्यता के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए लाडलो, क्योंकि आपके पास में समय ज्यादा नहीं है, लगभग 3 महीने का समय है अगर आप इस योजना के तहत भारतीय सेना में जाना चाहते हैं। अब इसी योजना के तहत ही आपको जाना पड़ेगा, इसके बाद अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। साथ ही एयरफोर्स के लिए भी गाइडलाइन आ गई है कि 24 जून से उनकी वेबसाइट पर फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा और नेवी की तरफ से भी जुलाई के महीने में फॉर्म अप्लाई का सिस्टम कर दिया गया। साथ ही इसमें लड़कियों के लिए भी नेवी में बहुत अच्छा मौका दिया गया है, अग्निपथ में लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर पाएंगे। इसकी पूरी की पूरी डिटेल अब आपको मिल जाएगी धीरे धीरे, लेकिन जितने भी बच्चे हैं अब तैयारी में जुड़ जाइए। साथ ही आर्मी चीफ ने यह भी क्लियर किया, जो बच्चा जितने भी ये उपद्रव कर रहे हैं, पहले बताया ट्रेनों में आग लगाना, बस स्टैंड पे आग लगाना, पुलिस की गाड़ियां चलाना, अगर आप कहीं पे भी फोटो भी आ गई आप पुलिस वेरिफिकेशन में आपको समस्या हो जाएगी, इसलिए इस प्रकार का उपद्रव ना करें। अब भर्ती की तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। भारतीय सेना में एकमात्र ऑप्शन है जिसके तहत भर्ती होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। साथ ही उनको क्या क्या सुविधा दी गई है वो आप सबने देखी होगी कि जो भी अग्निवीर वापस आएंगे उनको 10% आरक्षित किया जाएगा सीएपीएफ में, यानी जितने भी सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है इनमें, पैरामिलिट्री यानी असम राइफल में। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट में भी उन्होंने बोला कि हमने रिक्वेस्ट डाली है कि वो भी वहां की जो स्टेट पुलिस है या सर्विसेस में कुछ आरक्षण मुहैया कराए इन सैनिकों को। साथ ही जो बच्चा 10th पास जाएगा उसको 12th पास की डिग्री भी दी जाएगी, ताकि वो 12th पास जितने भी कंपटीशन होगा उसमें उस डिग्री के आधार पे अप्लाई कर पाएगा। तो भर्ती प्रक्रिया क्लियर है, रैली भर्ती होनी है, सेम फिजिकल होगा, सेम मापदंड होंगे, सारी प्रक्रिया सेम है, बस सर्विस लगने के बाद में ट्यूर ऑफ ड्यूटी 4 साल की है। तो जितने भी बच्चे एलिजिबल है जिनकी एज 17 साल से लेकर, यानी 17.5 साल से लेकर 23 साल है, वो सभी एलिजिबल है इस भर्ती में। इसकी नोटिफिकेशन भी आपने देखी होगी पूरी की पूरी, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी ये आ गई, आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर ये टोटल चेक कर सकते हैं भाई। और पुराने जितने भी पेपर रिजल्ट था एयरपोर्ट का उनको सबको रद्द कर दिया गया है, अब उनके लिए साफ ये बोला गया है कि उन्हीं के लिए हमने 2 साल की एज बढ़ाई है, वो वापस फिर से तैयारी करें और अग्निपथ योजना के तहत अपना नंबर पक्का करें। लाडलो, जय हिंद जय भारत।